किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ के बिना रहना मुश्किल है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हम तेंदुए के उन चार शावकों की बात कर रहे हैं जिन्हें 2014-15 में स्थानीय लोगों द्वारा बचाया गया था और उन्हें वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र को सौंप दिया गया था। इन चार तेंदुओं को स्थानीय लोगों ने असम के जोरहाट जिले के मरियानी के पास एक जंगल से बचाया था और CWRC को सौंप दिया। वे तब से CWRC की देखरेख में हैं। हालांकि ये शावक अब व्यस्क हो गए हैं, वे अपने दम पर शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी मां की देखभाल से वंचित रह गए थे। उनके पास जीने की अपनी मूल कला यानी शिकार करने का गुण नहीं है, इसीलिए उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। CWRC भी अब इन तेंदुओं के बारे में चिंतित है क्योंकि वे अपने लिए शिकार नहीं कर सकते। So when the mother goes for collecting prey, जब माँ शिकार करने या पानी की तलाश में निकलती है तो ये शावक निर्जन इलाकों में पीछे छूट जाते हैं। जब लोग उन्हें ढूंढते हैं या पाते हैं तो वे अक्सर उन्हें अनाथ समझते हैं या यह मान लिया जाता है कि इनके माता पिता की मौत हो चुकी है। वे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और पास के वन विभाग कार्यालय में छोड़ देते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना भर का नहीं है। एक बार जब वे अपनी माँ की देखभाल से दूर हो जाते हैं तो वे विकलांग की तरह हो जाते हैं। उन्हें हाथ उठाने की आवश्यकता होती है, उनके पास शिकार जैसे प्राकृतिक कौशल की कमी हो जाती है, तब भी वे आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं या मनुष्यों के साथ अभ्यस्त हो जाते हैं। ये तब होता है जब ये स्थायी रूप से असक्षम हो जाते हैं और उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनके पास शिकार जैसे प्राकृतिक कौशल की कमी हो जाती है, जो कि जंगल में जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अब इन तेंदुओं का जंगल में पुनर्वास संभव नहीं है, इसीलिए CWRC अब देश के अन्य हिस्सों में चिड़ियाघरों के संपर्क में है। साथ ही तेंदुए के कैप्टिव प्रजनन केंद्रों के साथ भी संपर्क किया गया है ताकि इन शावकों को प्रजनन उद्देश्यों या प्रदर्शन के लिए वहां भेजा जा सके। हम उन्हें इन बाड़ों में रख रहे हैं, साथ ही उम्मीद करते हैं कि हम अन्य चिड़ियाघरों के साथ उनका आदान प्रदान कर सकें। क्योंकि हमारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र है, हम जीवन काल तक के लिए जानवरों को नहीं रख सकते और अन्य चिड़ियाघरों की मदद लेते हैं जिन्हें इन तेंदुओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। प्रजनन के उद्देश्यों के लिए भी इन्हें भेजा जा सकता है। यही कारण है हम आदान प्रदान करते हैं। हम आशा करते हैं कि उन्हें अपने जीवन काल के लिए एक स्थायी स्थान मिलेगा। CWRC के अधिकारियों को उम्मीद है कि तेंदुए के शावकों को जल्द ही उनके जीवन काल तक के लिए स्थायी पते मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।